हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स में भी आपको मैंने बताया मैथ्स के दो पार्ट होते हैं 9th क्लास में। मैथ्स 1 अभी हमने स्टार्ट किया और मैथ्स 1 का पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम समुच्चय है, यानी कि सेट्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये वीडियो पूरा बना चुका हूं और उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करके पूरा सॉल्व कराया है। आज हम लोग कुछ और भी चीजें इंटरेस्टिंग समुच्चय के कुछ बात अध्ययन समुच्चय के और बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारा समुच्चय का चैप्टर क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले यही कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं और आपको मैथ सीखना है, चाहे वो 8वीं क्लास हो, 7वीं क्लास हो, चाहे 9वीं क्लास हो, चाहे 10वीं क्लास हो, या आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहिए, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। और चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ दोस्तों एक काम करना है, आपको लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन में ऑल के बटन जरूर प्रेस करना है। और वीडियो जब अच्छा लगता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लाइक का बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी स्टडी कर सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समुच्चय में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी झलक यहाँ दी गई है। आपको समुच्चय के प्रकार पढ़ना है और समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं समुच्चय के प्रकार। तो जो घटकों की संख्या होती है, इससे पहले मैंने आपको बताया था समुच्चय में जो आपको लिखते हैं अंदर, वो क्या होते हैं, समुच्चय के घटक होते हैं, या उन्हें कहा जाता है समुच्चय के सदस्य कहा जाता है। तो वह सदस्यों की संख्या के आधार पर, वह समुच्चय में कितने सदस्य हैं, ये संख्या के आधार पर समुच्चय को चार प्रकार में बांटा गया है। पहला है एकल समुच्चय, दूसरा है रिक्त समुच्चय, तीसरा है सीमित समुच्चय और चौथा है असीमित समुच्चय। यानी कि घटकों की संख्या, आपके पास समुच्चय है, आप उसकी घटक की संख्या देख करके चारों प्रकार पहचान सकते हैं और नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी है। एकल मतलब, पहले समझते हैं एकल समुच्चय किसे कहते हैं। जब किसी समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ एक घटक हो, यानी कि आप वह समुच्चय जो बोल रहा है उसमें आपने देखा एक ही घटक आ रहा है, एक ही सदस्य आ रहा है, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे आपको एक बोल दिया गया सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या, तो आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर संख्याओं में देखा जाए तो एक ही संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य होती है, वह कौन सी है, दो। तो आप देख रहे हैं इसके घटक कितने हुए टोटल, एक ही तो हुआ। घटक कौन सा, वो नहीं बोल रहा हूं, घटक की संख्या कितनी है, एक है। तो जिस समुच्चय में घटकों की संख्या एक हो उसे कहा जाता है एकल, इसलिए नाम भी पड़ा है एकल, मतलब एक घटक। अगर जिस समुच्चय में सिर्फ एक घटक आ रहा है तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। दूसरा प्रकार है रिक्त समुच्चय। कभी कभी ऐसा घटना घटती है कि जो शर्त दिया गया उस शर्त के आधार पर उसमें कोई घटक आ ही नहीं रहा है, और जब कोई घटक नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके अंदर कोई संख्या लिखी ही नहीं जा सकती है, उसके अंदर कोई घटक लिखा ही नहीं जा सकता है, तो ऐसे समय उसे कहा जाता है रिक्त समुच्चय। जिसे आप बोलते हैं ना, खाली जगह आप भरते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जब उस समुच्चय में कोई भी घटक नहीं आ सकता है दी गई शर्तानुसार, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय को दर्शाने का तरीका होता है धनु कोष्ठक बना करके उसके अंदर कुछ मत लिखो, यानी कि वो खाली है, उसके अंदर कोई घटक नहीं है, तो उसे बोला जाएगा रिक्त समुच्चय। या दूसरा तरीका होता है जीरो बना करके उसे काट दो, तो उसे बोलते हैं फाय बोलते हैं। ये दो तरीका होता है रिक्त समुच्चय को दर्शाने का। अब जैसे मैं बोलूं कि अगर आप बताइए मुझे दो और तीन के बीच की प्राकृतिक संख्या, दो और तीन के बीच की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, अब आप जानते हैं दो के बाद तुरंत प्राकृतिक संख्या कौन आती है, तीन आती है। बोलोगे 2.5, 2.1, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या है। यहां सर क्या बोला, दो और तीन के बीच की प्राकृतिक संख्या, तो दो के बाद तुरंत प्राकृतिक संख्या कौन सी आती है, तीन। तो दो और तीन के बीच में प्राकृतिक संख्या कोई आ ही नहीं रही है, तो जो शर्त बोल रहा है उस शर्त के आधार पर समुच्चय में कोई घटक आ ही नहीं रहा है, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ओके, चलिए तीसरे प्रकार पर बढ़ते हैं, सीमित समुच्चय।
अब नाम छुपा हुआ सीमित, मतलब ऐसा समुच्चय जिसके घटकों की संख्या सीमित हो। अब जैसे यहां देखो एकल समुच्चय था, ये भी सीमित कहलाएगा क्योंकि इसके घटक आपको सीमित है, एक ही घटक है। ये जो रिक्त समुच्चय ये भी क्या कहलाएगा, आपको सीमित समुच्चय कहलाएगा। और सीमित समुच्चय हो सकता है एक ही घटक से ज्यादा भी हो। तो ऐसा समुच्चय जिसके घटक या तो रिक्त हो, मतलब उसमें कोई घटक ना हो, या उसकी संख्या गिनी जा सके, मर्यादित हो, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, सीमित समुच्चय कहलाएगा। यानी कि जिसकी संख्या हम लोग आसानी से गिन सकते, भले इसमें 100 सदस्य रहने दो, 1000 सदस्य रहने दो, 10000 सदस्य रहने दो, लेकिन अगर उसकी सभी संख्याएं गिनी जा सकती हैं, उसकी सीमा मर्यादित है, तो वह क्या कहलाएगा, सीमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे यहां 4 से विभाजित प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 10 बोला, अगर से बोला तो 4 से विभाजित प्राकृतिक संख्या लिखो, बहुत सारी है, लेकिन यहां प्रथम 10 बोला है तो मर्यादित कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, सीमित हो गया। इसके घटकों की संख्या हम बता सकते हैं, ये नंबर सिस्टम आएंगे, तो यहां पे क्या है, उसकी सीमा मर्यादित हो गई। लेकिन जहां पर वह सीमा आपको मर्यादित नहीं होता है और पीछे डॉट डॉट लगा हो, यानी कि अगर उसका हमें आखिरी नंबर नहीं मालूम हो समुच्चय का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असीमित समुच्चय। जैसे यहां देखो प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते जाओ, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है, इसका अंत है क्या, नहीं है, इसका अंत नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, आपको असीमित समुच्चय। पूर्ण संख्या का भी अंत नहीं है, यानी कि वो भी क्या है, असीमित समुच्चय। इसके अलावा पूर्णांक संख्या का भी सीमा नहीं है, आखिरी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी ये हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो वो भी क्या होगी, आपको असीमित समुच्चय। परिमेय संख्या आपको असीमित है, अपरिमेय संख्या भी असीमित है, वास्तविक संख्याएं असीमित है, आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या असीमित है, क्योंकि संख्याएं असीमित है, तो इसका मतलब है कि ये जो भी सारी चीजें हैं वो क्या होती हैं, असीमित समुच्चय होती हैं। तो इस तरह से घटकों की संख्या के आधार पर समुच्चय के 4 प्रकार हैं, एक है रिक्त समुच्चय, दूसरा है एकल समुच्चय, तीसरा है सीमित समुच्चय और चौथा है असीमित समुच्चय। तो समुच्चय के 4 प्रकार हैं, आप घटक की संख्या के आधार पे पहचान सकते हैं आसानी से। एक घटक हुआ तो एकल समुच्चय, कोई घटक नहीं हुआ तो रिक्त समुच्चय। अगर संख्या मर्यादित है, एक से ज्यादा है या एक है या मर्यादित है, हम लोग गिन सकते हैं उस संख्या को कितनी उसके अंदर आ रही है, या उस समुच्चय का आखिरी अंक भी हमें पता है, तो वह क्या कहलाएगा, आपको सीमित समुच्चय। लेकिन जो आपको असीमित है, जिसमें घटकों की संख्या अनंत है, गिनी नहीं जा सकती है, ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, असीमित समुच्चय। तो ये समुच्चय के 4 प्रकार हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे सम समुच्चय के बारे में और इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं सम समुच्चय। सम समुच्चय का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, अगर आपके पास क्या है, दो समुच्चय, क्योंकि सम समुच्चय की तुलना करने के लिए कम से कम दो समुच्चय होने चाहिए। तो अगर दो समुच्चय है और उन समुच्चयों में क्या घटना घट रही है कि उसके घटकों की संख्या भी समान है और घटक भी समान है, यानी कि जो समुच्चय ए में घटक है वही सेम टू सेम समुच्चय बी में वही घटक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो ऐसे समुच्चय को ही क्या कहा जाता है, सम समुच्चय कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं, यानी कि समान समुच्चय कहते हैं। तो याद रखना, समान मतलब दोनों बिल्कुल हूबहू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समुच्चय ए में जो घटक होगा वही अगर घटक समुच्चय बी में होगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, सम समुच्चय कहलाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहां देखिए दो, ये गुणन वर्णन पद्धति में लिखा गया है, क्या बोला है, ए एक्स का ऐसा समुच्चय है कि एक्स बराबर है 2n के, 2n यानी कि 2 का मल्टीपल है और n की संख्या बोल रहा है, n क्या होना चाहिए, इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैंने बताया था का घटक है, किसका घटक है, n, n किस के लिए दर्शाया जाता है, प्राकृतिक संख्या के लिए, तो बता रहा है यहाँ जो n है वह क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है ना वो 10 के बराबर या 10 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ बोल रहा है 0 से बड़ा, ये देखो इसका मतलब होता है x की तरफ मुंह है ना, यानी कि x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और x की वैल्यू यहाँ नीचे लाइन खींच दिया, मतलब 10 भी चलेगा या 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि वह ये आपको ऐसा शर्त बता रहा है कि आप 2 के पहाड़े वाली संख्या लिखिए, लेकिन वह 0 से बड़ी होनी चाहिए,
10 या 10 से छोटी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं दो के पहाड़े में आने वाली संख्या कौन कौन सी है? 2n बोला ना, मतलब अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है n प्राकृतिक संख्या है, और जो वैल्यू आएगी वो बता रहा है कि x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 10 या 10 से बराबर होनी चाहिए। तो दो अगर n की जगह 1 रखोगे तो 2 एकदम 2 हो जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो n 2 दूनी कितना जाएगा 4, n की जगह 3 रखोगे तो 2 3 कितना जाएगा 6, n की जगह 4 रखोगे 2 4 कितना जाएगा 8, और n की जगह 5 रखोगे 2 5 10, क्योंकि आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उसने बोला है 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया समुच्चय A के घटक, ये गुणन वर्णन में था, इसको हमने सूची पद्धति में बदल दिया। अब हम देखेंगे क्या B में भी वही घटक आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर दोनों घटक समान हुए तो ही हम उसको समुच्चय बोलेंगे। अब B में क्या बोल रहा है कि B Y का ऐसा समुच्चय है कि Y यह सम संख्या, सम संख्या मतलब दो के पहाड़े में आने वाली संख्या, लेकिन यहाँ सब बता रहा है कि y भी क्या होना चाहिए, 1 या 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 10 से 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। तो y के लिए सर्त बोल रहा है कि 1 या 1 से बड़ा, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। अब सम संख्या बोला मतलब 2 के पहाड़े में आने वाली, तो 2 4 6 8 10, ठीक इसमें बोल दिया सर 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए 10 पे रुक जाओगे। अब मिलाओ दोनों को, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, 4 4 6 6 8 8 10 10, वही सेम घटक है, किसी में भी कम ज्यादा नहीं है, यानी कि ए और बी क्या है, ए और बी के घटक समान है। इसलिए समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, या हम बोल सकते हैं समुच्चय ए और बी क्या है, सम समुच्चय है। क्लियर, सम समुच्चय मतलब बिल्कुल हूबहू घटक ये क्या होने चाहिए, एकदम सेम सेम होने चाहिए। ओके चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि यहाँ पे समुच्चय, तीन समुच्चय लिखे गए हैं और आपको पहचानना है किसमें से कौन से सम समुच्चय है और कौन से नहीं है, कारण सहित बताइए। तो मैं क्या करूंगा, तीनों समुच्चय के घटकों की संख्या निकालूंगा, तीनों समुच्चय के घटक निकालूंगा और देखूंगा कि तुलना करूंगा कि समान है कि नहीं, क्योंकि सम समुच्चय का होता है जब उसके घटक समान हो, घटकों की संख्या भी समान हो और घटक भी क्या हो, समान हो, तो ही उन्हें क्या कहा जाता है, सम समुच्चय। फिलहाल आपको ये सारे के सारे गुणन वर्णन पद्धति में लिखा है, हमें नहीं पता है कि ए समुच्चय में कौन से घटक है, बी समुच्चय में कौन से घटक है और सी में कौन से घटक है, उसने सिर्फ उसके गुणधर्म बता दिया है समुच्चय के, हमें हर घटक को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो समुच्चय ए में सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या देखिए क्या बोल रहा है कि x समुच्चय ए जो है वह x का घटक है, लेकिन x क्या है कि 3x-1=2, ये आपको दिया गया, इसको पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, 3x-1=2 ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि इसने बोला है समुच्चय a जो है वह x के बराबर है और x का वैल्यू क्या होगा वो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ओके तो सॉल्व कैसे करते हैं, आप जानते हैं पहले माइनस वन को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा वो प्लस वन, आठवीं में आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले दूर के नंबर के माइनस वन को उधर लेके गए, माइनस का उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x=2 कितना जाएगा 3, क्योंकि 2+1 कितना हो गया 3। अब x के साथ 3 यहाँ गुणे में उधर जाना है, संख्या को लेके जाना है, तो 3 गुणे वाली संख्या वहां जाके क्या हो जाती है भाग में, तो 3 में से 3 से भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ पर समुच्चय a में जो घटक आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ओके वहां उसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। अब b में देखिए b किसका समुच्चय है, x का ही। अब x के बारे में बोल रहा है कि x या प्राकृतिक संख्या है, याद रखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 से ऐसे गिनते जाइए, फिर क्या बोल रहा है, ना तो वह अभाज्य हो और ना ही भाज्य हो। तो आप जानते हैं पूरे विश्व में संख्याओं में एक ही संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, हुआ कौन सी संख्या है, ए। ये आपको छठी क्लास में बताया गया था कि कौन सी संख्या भाज्य होती है और अभाज्य, और कौन सी संख्या ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, सम अभाज्य कौन सी होती है, सारी संख्याओं का ज्ञान मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो एक ही एक संख्या होती जो ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य, इसलिए यहाँ पे एक आ जाएगा। सी क्या शर्त बोल रहा है,
कि सी भी एक्स का समुच्चय, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। एन मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का घटक होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। और यहां बोल रहा है एक्स की वैल्यू दो से छोटी होनी चाहिए। देखो दो की तरफ मुंह, मतलब एक्स की वैल्यू दो से बड़ी नहीं होनी चाहिए, दो से छोटी होनी चाहिए, दो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे लाइन रहता तो दो ले सकते थे। तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो दो से छोटी हो? तो एक ही है। कौन है? एक। क्योंकि जीरो तो प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, तो दो से छोटी कौन सी संख्या हुई? एक। और दशमलव वाली 1.1, 1.2 ये ले नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। तो सिर्फ कौन सी संख्या आएगी? एक ही आएगी। तो आप देख रहे हैं समुच्चय ए बी सी में तीनों में घटक समान है, और जिनके समुच्चय के घटक समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सम समुच्चय। यहां आप बता देंगे, चूंकि समुच्चय ए समुच्चय बी तथा समुच्चय सी के घटक समान है, इसलिए समुच्चय ए बी तथा सी सम समुच्चय है। तीनों के तीनों क्या है? सम समुच्चय है। क्लियर? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आपको पहले इसके घटक निकालने पड़े। हल किया हमने, घटक निकाला, तीनों में एक एक ही आ रहा है, यानी घटक की संख्या समान है, घटक समान है, और घटक समान होते तो उन्हें क्या कहा जाता है? सम समुच्चय कहा जाता है। ओके, तो ये सरल हुआ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको बोला है ए और बी समान है क्या? कारण कुछ कारण से बताइए, यानी समुच्चय ए और बी सम समुच्चय है या नहीं पता करना है। तो मुझे क्या करना है? समुच्चय ए निकालना है, समुच्चय बी निकालना है, बाद में तुलना करना है, देखना है घटक समान है या नहीं, इतना काम करना है। तो हमें क्या बोल रहा है? देखिए, समुच्चय ए में कौन से घटक लिखने के लिए बोल रहा है? कि सम संख्या हो जो अभाज्य संख्या भी हो। अब सम संख्या पहले देख लो, सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से लिखते जाइए। अब पहले शब्द के हिसाब से ये संख्या हो, दूसरा बोल रहा है वो अभाज्य भी हो, तो इसमें आप देखिए इसके आगे जितने भी नंबर रहेंगे वह सब भाज्य होते हैं, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा भाजक है। जैसे चार में देखो, एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, और चार का भाग जाता है, तो उसके विभाजक कितने हो गए? तीन। तो जिसमें सिर्फ दो विभाजक होते हैं वही क्या होता है? अभाज्य होता है। तो इसका मतलब है कि इन सब में दो से ज्यादा विभाजक है, तो ये क्या हुई? भाज्य हुई। लेकिन दो एक ऐसी संख्या है जो तो सम संख्या भी है लेकिन अभाज्य भी है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो इसका मतलब है कि इसके समुच्चय ए में कौन सा घटक आएगा? सिर्फ दो आएगा, क्योंकि दो ही क्या है? एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। अब बी में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन दिया है। इक्वेशन देखिए, यहां से लेते हैं 7x-1=30। अभी भी जैसे हमने पहले सॉल्व इसको सॉल्व करना सीखा था, पहले -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 13, या -1 इधर आया तो +1, 13+1 कितना हो गया? 14। अब 7 यहां गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहां पे भी बी में क्या है? समुच्चय किसका है? एक्स का, और एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 2, यानी कि यहां पे भी आ गया 2। ए और बी के घटक क्या दिखाई दे रहे हैं? समान, और घटक समान होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सम समुच्चय। यहां बता दो कि समुच्चय ए, चूंकि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के घटक समान है, इसलिए समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा? समुच्चय बी। और जो समुच्चय बराबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समान समुच्चय या सम समुच्चय होते हैं। तो आप यहां बता देंगे समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय हैं। ओके, एकदम सिंपल था, सिर्फ घटक निकालना था और तुलना करना था, देखना था कि बराबर आते हैं या नहीं। ओके, ये वो क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कौन से समुच्चय, देखिए तीन समुच्चय मैंने यहाँ लिखे हैं,
और आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है, कारण सहित बताना है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई भी घटक ना हो, यानी कि जो शर्त बोल रहा है उस शर्त के हिसाब से उसमें कोई संख्या आए ही ना, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। तो हम लोग को वही देखना है हर समुच्चय में कि ये शर्त के हिसाब से इसमें कोई घटक आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा था यानी रिक्त समुच्चय, और आ गया था यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए पहले समुच्चय को देख लेते हैं। इसमें क्या शर्त बोल रहा है कि समुच्चय ए जो है वह ए का समुच्चय है, और ए क्या है? शून्य से भी छोटी प्राकृतिक संख्या है। आप बताइए प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? एक से। कहां से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या? एक से स्टार्ट होती है। शून्य भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। शून्य क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, लेकिन शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत क्या है? एक, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। और ये बोल रहा है शून्य से भी छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या एक शून्य से छोटा है? नहीं, एक क्या है? शून्य से बड़ा है। तो शून्य से छोटी प्राकृतिक संख्या कोई होती ही नहीं है, इसलिए इस समुच्चय में कोई भी सदस्य आएगा नहीं, और कोई सदस्य नहीं आएगा यानी कि वो क्या हुआ? रिक्त समुच्चय। तो यहां बता देंगे चूंकि शून्य से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, आप एक भी लिख सकते हैं, एक से छोटी कोई नहीं होती, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। तो आप यहां एक लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी एक से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए समुच्चय ए क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो चूंकि घटकों की संख्या समुच्चय ए में कोई घटक नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। समुच्चय ए क्या हुआ? रिक्त समुच्चय है। क्लियर? ना आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो मैं इसको थोड़ा और मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर टू यहां यह मतलब समुच्चय ए। समुच्चय ए क्या है? रिक्त समुच्चय है। चलिए बी वाले में क्या बोला है? बी क्या है? एक्स का समुच्चय है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखा है ना? तो आप जानते हैं अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो इसका वर्गमूल जो मैं निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। यानी कि बी में कौन सा घटक आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो ये क्या खाली है क्या? नहीं, इसमें एक घटक आ रहा है। तो यहां बताओगे चूंकि समुच्चय बी में एक घटक है, इसलिए समुच्चय बी रिक्त समुच्चय नहीं है। है ना? वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो है, यानी कि ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पे जीरो आ रहा है। तो किसका वर्ग करोगे तो जीरो आएगा? जीरो का वर्ग करोगे तो जीरो आएगा। इसलिए यहां पे कौन सा संख्या आ रहा है? जीरो। तो बी में एक घटक आ रहा है, इसे हम लोग एकल बोल सकते हैं लेकिन रिक्त नहीं बोल सकते हैं। सीमित समुच्चय भी बोल सकते हैं लेकिन रिक्त नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने बताया कि इसमें एक घटक है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, चलिए सी वाले को देख लेते हैं। इसमें इक्वेशन दिया सॉल्व करिए, और ये भी बोल रहा है कि x का जो वैल्यू है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। देखो n लिखा है, कोई भी उत्तर आएगा नहीं चलेगा, प्राकृतिक संख्या होगी तो ही उस घटक को लिख सकते हैं उसके अंदर। उसने बोला है सी x का समुच्चय है और x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करिए और देखिए कि वो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं हुई तो आप उसके अंदर नहीं लिख सकते। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, फाइव एक्स इक्वल टू माइनस टू है तो वहां जाएगा, तो जीरो प्लस टू हो जाएगा। तो फाइव एक्स इक्वल टू टू आ गया, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा? टू अपॉन फाइव, डिवाइड होता ही नहीं। अब ये दो बटे पांच तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप यहां बता दोगे दो बटे पांच डज नॉट बिलोंग टू, मतलब का घटक नहीं है। किसका घटक नहीं है? एन का। दो बटे पांच प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए जो सी समुच्चय है वो क्या रहेगा? खाली।
खाली रहेगा, इसका मतलब है कि समुच्चय C क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है कौन से समुच्चय सीमित है और कौन से समुच्चय अनंत है, दो चीज बताना है, लेकिन इसमें सारे उदाहरण नहीं करने हैं, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करना है, बाकी सवाल आपको इस बार सिलेबस में नहीं रखा गया। तो दो क्वेश्चन हम लोग उसको आसानी से कर लेते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बताना है, सीमित कौन सा है और असीमित कौन सा है, तो सॉल्व किए बिना बता नहीं सकते हो क्योंकि इसमें आपको कई क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ पहला और दूसरा ही करना है, बाकी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं, इसमें आपको सीमित संख्या थी कि आप असीमित संख्या थी है। तो क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए जो है वो किसका समुच्चय है, एक्स का, और एक्स की क्या खासियत है, 10 से छोटा होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए 10 से छोटा, और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या लिखना है वो भी 10 से छोटी। तो कौन कौन सी आएगी, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, सात आएगा, आठ आएगा, नौ आएगा, क्योंकि 10 से छोटा बोला उसके आगे नहीं बढ़ना है, तो इसकी संख्या सीमित हुई कि नहीं हुई, गिन सकते कि नहीं, इसमें कौन कौन से घटक आएंगे, यानी कि ये क्या हुआ सीमित समुच्चय। यहां बता दोगे चूंकि समुच्चय ए की घटकों की संख्या, समुच्चय ए के घटकों की संख्या सीमित है, गिना जा सकता है, इसलिए यह समुच्चय ए जो है वह सीमित समुच्चय है। ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर तभी आपको अच्छे से आ सकता है जब आपको संख्याओं का पूरा अच्छे से ज्ञान हो। अगर आप नहीं जानते प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, संख्याओं का ज्ञान वाला वीडियो जरूर देखिए। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बी जो है किसका समुच्चय है, वाई का, और वाई बोल रहा है कि छोटा होना चाहिए माइनस एक से, इसकी तरफ मुंह है माइनस एक की तरफ, माइनस एक से छोटा संख्या लिखो, और दूसरी तरफ बोल रहा है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्या भी आती है, प्लस की भी संख्या आती है, जीरो भी आता है, लेकिन माइनस वन से छोटी संख्या कौन सी होती है, माइनस टू, माइनस थ्री, यानी कि माइनस वाली संख्या लिखना है, धन वाली संख्या नहीं लिख सकते इसमें, तो माइनस टू आएगा, माइनस थ्री आएगा, माइनस फोर आएगा, माइनस फाइव आएगा, माइनस सिक्स आएगा, माइनस सेवन आएगा, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो संख्या खत्म होने वाली नहीं है, ये सारी सारी संख्या माइनस वन से छोटी है, इसलिए ये क्या हुआ समुच्चय बी के घटक सीमित नहीं है, समुच्चय बी के घटक सीमित नहीं है। आखिरी संख्या में तो पता ही नहीं चल रही है ना, सीमित नहीं है, इसलिए समुच्चय बी क्या हो गया, असीमित समुच्चय हो गया, समुच्चय बी असीमित समुच्चय है। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर दबा लेना। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।